हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, और आज आपसे मैं अपना ये एक्जोरा प्लांट शेयर करूँगी और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आप इसको लगाओ तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसको किस तरह से आपको लगाना चाहिए, मैं ये सब आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये देखो, मेरा रेड पिंक है, शायद पूरा रेड नहीं है, पिंक कलर का एक्जोरा है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आपको अगर फूलों की ज़रूरत है तो बहुत सारे फूल चाहिए तो आपको ये वाला प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही हार्डी होता है और इसमें ये विंटर में भर भर के फूल आते हैं और ये बहुत ही प्यारा, ये सीजन में दो बार फूल देता है। ये गर्मियों में भी देता है और बरसात के टाइम पे देता है और ये विंटर में भी इसके बहुत सारे फूल आते हैं। तो ये एक्जोरा जो है ये कई कलरों में आता है। ये इसको आप इसके नर्सरी में ड्रॉप वैरायटी भी आती है और एक टॉल वैरायटी आती है। मेरी बड़ी वैरायटी है और एक मिनी छोटी छोटी पत्तियों वाला भी एक्जोरा आता है, मेरे पास वो भी है पर मैं अभी यहाँ पे मेरे ग्राउंड में नहीं लगा हुआ है वो। तो इसको आप अगर ज़मीन में लगाओ तो ये हेज के रूप में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको किसी भी बॉर्डर पर आप लगा देते हैं दो तीन कलर के एक्जोरा तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ये हार्डी प्लांट तो है ही और आप इसको लगाते समय आप कटिंग से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। आप इसकी कहीं से भी कटिंग लाएँ तो ये कटिंग को आप बरसात में लगाएंगे तो बहुत ईजी से लग जाएगा। और अगर आपको ठंडियों में लगाना है तो ये दिसंबर में आप लगाएं। एक्जोरा है ये, देखो इसमें गुच्छों में फूल आते हैं, इसका वंच बहुत बड़ा होता है और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें वाइट कलर, येलो, पिंक, रेड और लाइट पिंक भी बहुत प्यारे प्यारे इसमें कलर आते हैं। ये मेरे पास पिंक है पर अभी देखने में एकदम से रेड लग रहा है। तो ये मेरा ज़मीन में लगा है। जब आप अगर गमले में लगाओ तो इसको आप एक वेल ड्रेन सॉइल दी, ज़मीन में लगाने से तो कुछ नहीं, आप कैसी भी मिट्टी में इसको लगा देंगे पर आप जब गमले में लगाओ तो आपको ऐसी मिट्टी बनाएं जिससे कि पानी ठहरे ना, मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन बनाए। तो इसमें मेरे में क्या हुआ कि कीड़े लग रहे थे तो मैं अभी इसकी नीम ऑयल की स्प्रे कर रही थी। ये देखो आप छोटे छोटे से इसमें मिली बग्स आ रहे थे तो वही मैं, जो आपने देखा कि मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही थी। तो आप, मैं मिट्टी की बात करूं तो आप इसको वेल ड्रेन सॉइल दीजिएगा, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा खाद मिला के आप इस प्लांट को लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से आपका प्लांट चलेगा। और आपकी बात करूं मैं इसके के आप इसको खाद की बात करूं तो इसको आप एक बार अच्छे से खाद देंगे तो ये बहुत आसानी से चलता है। गमले में आप इसको बोन मील और बर्मी कंपोस्ट की खाद देंगे जब इसका फूल का सीजन, जैसे मैंने अभी सितंबर में इसको खाद दी थी तभी ये खूब अच्छे से फूल दिया है इसने। मैंने दो तीन दाने DAP के भी डाल दिए थे, ज़मीन में डाले थे। आप चाहो तो ऑर्गेनिक ही यूज़ करें तो ऑर्गेनिक में आप सरसों खली का फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसको फुल सन चाहिए, ये अगर आप धूप देंगे तो ये बहुत सारे फूल इसमें आएंगे, इसमें बंच में फूल आती हैं। देखो कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। तो आप इसको फुल सन में भी बहुत अच्छे से चलता है पर अगर आपके यहाँ थोड़ी सेमी शेड है तो भी ये बहुत अच्छे से फूल देता है। और ये गमले में बहुत आसानी से चल जाता है और कटिंग से मैंने आपको बताया कि ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखो मेरा हिबिस्कस भी यहीं पे खिला हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्जोरा का बताया। ये आप इसको ना हेज में अगर आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से चलता है। इसकी ड्रॉप वैरायटी और टॉल वैरायटी दोनों ही अच्छी लगती हैं। आजकल नर्सरियों में ये बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई देता है, बहुत वैरायटी में
आता है। तो आपको मेरा ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना ध्यान जरूर रखिए। बाय बाय।